गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियां, जिसमें लगभग अपना भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियों में अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, एक दो बची हैं। उसके बाद में अपन भूमिगत जल के निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थल रूप, ठीक है। तो ये आज अपना निक्षेपात्मक स्थल रूप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, भूमिगत जल के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे, तो भूमिगत जल के द्वारा आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के रूप में मैंने एक पूरा कंप्लीट आपका चित्र बनाया, जिससे आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखो, सबसे पहले अपन क्या है, क्रम वाइज अगर स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे सबसे पहले आपकी भूमिगत जल या कास्ट स्थलाकृतियों में सबसे पहले आपका बनने वाला क्या है, घोल रंध्र। घोल रंध्र के द्वारा क्या बनती है, आपकी स्थलाकृति का निर्माण होता है। किस रूप में, जो चट्टानी भाग होता है, चट्टानी जो सेल होते हैं उनके ऊपर जैसे ही आपका पानी गिरता है तो वो क्या है, गोलक का कार्य करता है और पानी है आगे की ओर निकल जाता है और छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, घोल रंध्र कहा जाता है। जब ये घोल रंध्र आपके थोड़ा बड़ा रूप ले लेते हैं, ये जो घोल रंध्र सबसे पहले तो आपके क्या है, विलय छिद्र छोटे छोटे होते हैं और ये क्या है, घोल रंध्र के रूप में बदल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जब ये घोल रंध्र थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब ये इतने छोटे छोटे थे और ये इसका रूप क्या है, बड़ा ले लेते हैं, मतलब कई सारे घोल रंध्र मिलकर, जैसे ये आपके बहुत सारे घोल रंध्र हैं और ये घोल रंध्र क्या है, मिलकर एक क्या है, डोलाइन का निर्माण करते हैं। ये सबसे पहले ये स्थलाकृति बनी, फिर ये बनी, फिर उसके बाद में डोलाइन बनी, यानी कि इसी का बड़ा रूप क्या है, आपका डोलाइन है। डोलाइन जब क्या है, कई सारे डोलाइन मिल जाते हैं, या कई सारे डोलाइन, या आपका कह सकते हैं कि गर्त, बहुत सारे गर्त हैं, खड्डे हैं, डोलाइन जब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक काफी बड़े गड्ढे का, गर्त का निर्माण करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, युवाला बन जाता है। उसके बाद में जब युवाला की अगर चर्चा करते हैं तो बहुत बड़ी एक खाई के रूप में, जैसे मान लो ये आपकी एक धसी हुई खाई है, मतलब अगर इसको अपन धसे हुए रूप में देखेंगे तो ये अंदर की ओर चली जाएगी, तो ये जो भाग है ये क्या है, इसकी जो दीवार है ये क्या है, खड़े रूप के अंदर दिखाई देगी। और ये जो युवाला, मतलब जो युवाला होता है उसका जो विस्तृत रूप होता है, ये ही युवाला क्या है, बड़ा बन जाता है, तो किसका निर्माण करता है, पोलजे का निर्माण करता है। और ये क्या है, समानांतर रूप के अंदर खड़ी हुई दीवार के समान अपन को दिखाई देती है। तो इस प्रकार से युवाला और पोलिये आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो आज अपना ये जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो आपकी क्या है, कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ लास्ट बची है कंदरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद आपकी आती है लास्ट कंदरा या गुफा। कंदरा या गुफा, देखो कंदरा या गुफा किसे कहते हैं, कि मैंने आप लोगों को बताया कि चूना प्रधान जो क्षेत्र होते हैं, चूना सेल जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या होता है, धरातल का जो ऊपरी भाग है उससे नीचे का भाग क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। नीचे का भाग क्या हो जाता है, आपका खोखला हो जाता है। ऊपरी सतह से नीचे, निचले नीचे खोखला स्थान क्या कहलाता है, आपका कंदरा कहलाता है। या कंदरा के रूप में अपन कह सकते हैं कि भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं कास्ट प्रदेशों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां मानी गई हैं।
क्यों मानी गई हैं? कंदराएं ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया तथा अपघर्षण द्वारा होती है। यानी कि जो मैंने आपको बताया पहले कि कंदराओं का निर्माण भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर एक खाली स्थान बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, और उसे क्या कहा जाता है, आपका कंदरा का नाम दिया जाता है। और इसकी रचना कैसे होती है कि जैसे ही आपका भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल के अंदर क्या है, घुलन की क्रिया और अपघर्षण, दोनों ही क्रियाएं जब होती है तब क्या बन जाता है आपका, अपघर्षण द्वारा क्या बन जाता है, आपकी कंदरा का निर्माण है वो हो जाता है। तो बात कर लेते हैं, वैसे ही आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कार्ल्स बाद कंदरा, मैमथन आपका कंदरा अधिक क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध है। ऐसे ही भारत के अंदर देहरादून के अंदर आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, बिहार के रोहतांग पठार जिसमें आपका गुप्त धाम कंदरा, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के अंदर कुटुम्बसर के अंदर और चित्रकूट के अंदर, सतना जिला के अंदर आपकी गुप्त गोदावरी कंदराएं हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से कंदराएं हैं वो आपकी विस्तृत रूप के अंदर भारत के अंदर भी देखने को मिलती हैं। तो बात कर लेते हैं कंदराओं की भूमिगत जल के अपरदन द्वारा, भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित कंदराएं बनने वाली कंदराएं कास्ट प्रदेशों की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां होती हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां होती हैं। अब कंदराओं की उत्पत्ति है, निर्माण है वो कैसे होता है, कंदराएं ऊपरी सतह से नीचे एक रिक्त स्थान होता है जिसकी रचना भूमिगत जल द्वारा होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आपकी कार्ल्सबाद कंदरा
कंदरा है वो अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। ऐसे ही भारत के अंदर आपके देहरादून में, भारत में देहरादून में दक्षिणी पश्चिम व बिहार में दक्षिणी पश्चिम बिहार के रोहतास, बिहार के रोहतास और उसी के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश रोहतास पठार और उसी के साथ आपका आता है मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में। तो इस तरीके से भारत के अंदर भी क्या है, कंदराओं का निर्माण है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये आपकी क्या हो गई, अपर धनात्मक स्थलाकृतियां बन गई हैं कि कंदराओं का जो निर्माण होता है, कंदराएं जो बनती हैं वो क्या है, स्थल भाग के नीचे एक खोखला स्थान पाया जाता है। किस क्षेत्रों में, आपके कास्ट प्रदेशों में, या कह सकते हैं कि चूना प्रधान जो चट्टानी क्षेत्र होता है वहां पे आपका चूना प्रधान क्षेत्र होता है, वहां पे क्या है धरातल के ऊपरी भाग के नीचे एक खोखला स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसे ही क्या है गुफा या कंदरा कहा जाता है। और ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर कार्लसबाद और मैमथन कंदरा देखने को मिलती है। भारत के अंदर आपका देहरादून के दक्षिण पश्चिम में, बिहार में रोहतास पठार के अंदर और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के अंदर कंदराओं का निर्माण है वो भी देखने को मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आती है अपनी भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। देखो आपकी निक्षेपणात्मक अगर इसकी बात करते हैं आपकी भूमिगत जल के अंदर, तो आपकी स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और अंधी घाटी इस रूप के अंदर क्या है आपकी स्थलाकृतियां हैं देखने को मिलती हैं, या कंदरा स्तंभ के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की अपन चर्चा कर लेते हैं। से बनने वाली स्थलाकृतियां, सबसे पहली है आपकी स्टेलेक्टाइट। दूसरी है स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट और दूसरी है स्टेलेग्माइट। इस तरह की ये आपकी स्थलाकृति का निर्माण होता है। और तीसरी है कंदरा स्तंभ। क्या है आपकी स्टेलेग्माइट स्टेलेग्माइट इस तरीके से क्या है आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले क्या है आपकी
जो कंदरा बनती है उन्हीं के द्वारा क्या है इन स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऊपरी सतह के नीचे खोखला स्थान ही कंदरा है। कंदरा कंदरा में जल के टपकने से कंदरा की छत के सहारे चूने का जमाव जमाव लटकता रहता है, जिसे क्या कहा जाता है स्टेलेक्लाइट कहा जाता है। यानी कि जो चूने की सबसे पहले क्या होता है आपकी चूने की जो कंदराएं होती हैं वो इस तरीके से खोखले भाग के अंदर पृथ्वी का जो धरातल का ये ऊपर का भाग होता है और नीचे क्या है आपकी कंदराओं का निर्माण होता है। और इन कंदराओं की अगर बात करते हैं तो कंदराएं क्या होती हैं आपकी कंदराओं में क्या है जब जल टपकता रहता है, जब जल टपकने से कंदरा की जो छत के सहारे चूने का जमा हो जाता है, जब ये टपकती रहती है और उससे क्या है चूना है वो जमा होता चला जाता है ऊपर से। जैसे मान लो यहां से ये कोई भी आपकी कंदरा है, इस तरीके से कंदरा है और यहां से क्या है पानी टपक रहा है, ठीक है, ये पानी है गिर रहा है और ये क्या है जमा होता चला जाता है, इस तरीके से ये जमा होता चला जाता है चूने का जमाव है कंदरा की छत के सहारे सहारे क्या है चूने का जमाव हो जाता है, जमाव लटकता रहता है, ये जमाव हो जाता है और क्या है ये लटकते रूप में दिखाई देता है, तो इसे क्या कहा जाता है स्टेलेक्लाइट कहा जाता है। उसके बाद में कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टेलेगमाइट कहलाता है। जैसे कंदरा है और कंदरा का जो फर्श है यानी कि नीचे वाला जो फर्श होता है उस फर्श की अगर बात करते हैं आपकी ये जो कंदरा का जो फर्श होता है नीचे का जो फर्श होता है जैसे मान लो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या है आपका फर्श है किसका आपका धरातल का, तो ऊपर वाले फर्श पे तो क्या होता है जो चूने का जो पानी जो टपक रहा था वो क्या हो गया आपका जमा हो गया। ऐसे ही क्या है नीचे वाला जो स्तर होता है वहां से क्या है जब इस कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ यानी कि यहां से भी अगर ये चूने का जमाव होता जा रहा है इधर से तो ये स्थिति आपकी कौन सी बन जाती है स्टेलेगमाइट की बन जाती है। और जब ये क्या हो जाती है एक दूसरे से इन दोनों के मिल जाने से क्या है कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है ये एक दूसरे से मिल जाती है दोनों ऊपर और नीचे वाले हिस्से तो ये क्या कहलाती है आपकी कंदरा स्तंभ कहलाती है। तो इस तरीके से ये चीज समझ में आई होगी आपको कि किस तरीके से कंदरा सबसे पहले जो कंदरा बनती है अपरदनात्मक उसके बाद में आपकी निक्षेपणात्मक जैसे ही क्या हो जाता है निक्षेप हो जाता है जमाव भूमिगत जल के अंदर वैसे ही आपकी क्रिया होती है मंद होती है और मंद होने के बाद में उसके अंदर क्या हो जाता है जो अवसाद होता है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है जमना शुरू हो जाता है। तो अवसाद किसका होगा चूना पत्थर का, चूना पत्थर क्या होने लग जाता है कंदरा के ऊपर से जब टपकता हुआ जमा होता है तो ऊपर से टपकते हुए पानी के रूप में जब जमा होता है तो स्टेलेक्लाइट कहलाता है। और फर्श से जब ये टपकता हुआ ऊपर नीचे की ओर ऊपर की ओर जाता है तो आपका क्या है स्टेलेगमाइट की स्थिति बन जाती है। और जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो ये क्या कहलाती है कंदरा स्तंभ कहलाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी स्टेलेक्लाइट। कंदराओं के जल के टपकने से कंदरा जल के से कंदराओं
कंदराओं की छत के सहारे सहारे चूने का जमाव लटकते हुए जमा हो जाता है तो उसे स्टेले स्टेलेकटाइट कहते हैं। दूसरी स्थलाकृति है स्टेलेगमाइट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से बनने वाली जमाव से निर्मित या बनने वाली स्थलाकृति स्टेलेगमाइट कहलाती है। ठीक है, स्टेलेगमाइट कहलाती है। तो इस तरीके से क्या है आपकी स्टेलेगमाइट की स्थिति है वो बनती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आपकी आती है कंदरा स्तंभ। ये हो गया आपका तीसरी स्थलाकृति का निर्माण होता है कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ में देखो सबसे पहले क्या होता है, जब क्या होता है इन दोनों के मिल जाने से कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। किन दोनों से? आपका स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्लाइट और स्टेलेगमाइट दोनों स्थलाकृति जब मिल जाती है तब क्या है कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। जब स्टेलेगमाइट व स्टेलेगमाइट दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं तो कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। निर्माण होता है। समझ में आ गया?
कि दोनों क्या है, स्टेलेकलाइट, स्टेलेकलाइट और क्या है, स्टेलेगमाइट, स्टेलेकटाइट और स्टेलेगमाइट, ठीक है। दोनों स्थलाकृतियां जब मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, कंदरा स्तंभ का निर्माण है वो हो जाता है। अब देखो इसका मैं आपको चित्र बना के समझाती हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या होता है ये। देखो इस तरीके से क्या है, आपकी चूने की जो चट्टान होती है वो इस रूप के अंदर आपकी बन जाती है। क्या है आपकी स्तंभों का निर्माण होता है और जब ये स्टेलेकलाइट, ये तो क्या है आपकी ऊपर वाली स्टेलेकटाइट, स्टेले स्टेलेकटाइट कहलाती है और दूसरी स्टेलेगमाइट और ये कहलाती है स्टेलेगमाइट, ठीक है। और ये जब क्या है एक दूसरे से जुड़ रही है ना, ये यहां से ये दो आपकी जुड़ गई हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है आपका, इनको कहा जाता है कंदरा स्तंभ, इनको कहा जाता है कंदरा स्तंभ जो जुड़ रही है, ठीक है। नीचे फर्श पे जो बन रही है वो तो स्टेलेगमाइट है और जो ऊपर वाली एक खोखले भाग के रूप में दिखाई देते हैं स्टेलेकटाइट कहलाती हैं। तो इस तरीके से भूमिगत जल के अंदर स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता रहता है। तो इसकी चर्चा अपन भूमिगत जल के अंदर हो गई है आपकी, इस तरीके से स्टेलेकटाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियों का निर्माण है वो इस रूप के अंदर हो जाता है। तो इस तरीके से दोबारा से रिपीट करा देती हूँ कि आपकी भूमिगत जल के द्वारा दो प्रकार के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया क्या? देखो भूमिगत जल के द्वारा दो प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, आपकी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक में क्या होता है आपकी सबसे पहले विलय छिद्र, विलय रंध्र का निर्माण होता है, फिर घोल रंध्र का निर्माण होता है, उसी का बड़ा डोलो रूप उसका डोलाइन कहलाता है, उसका बड़ा रूप आपका युवाला कहलाता है, उसका बड़ा रूप आपका पोलियो कहलाता है। तो इस तरीके से अपरदनात्मक स्थलाकृति का निर्माण होता है और लास्ट में क्या बन जाती है आपकी कंदरा का निर्माण है वो होता है। उसके बाद में आपकी आती है निक्षेपात्मक स्थलाकृति। निक्षेपात्मक स्थलाकृति के अंदर तीन स्थलाकृतियों का ही निर्माण होता है, परिवहन से संबंधित इसके अंदर स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि आपके भूमिगत जल के द्वारा जो गति कार्य, जो स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है
वो भूमिगत जल के अंदर बहुत धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है। इसलिए निक्षेपण से आपकी तीन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब ये क्या है, मलबे का जमाव करती हैं, एक जगह इकट्ठा करती हैं, जमाव कर देती हैं, तो तीन प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, स्टेलेगमाइट, स्टेलेटाई और कंदरा स्तंभ। तो इस प्रकार से जब ये दोनों स्टेलेकटाइट और स्टेलेगमाइट दोनों जुड़ जाती हैं तो कंदरा स्तंभ होती है। ऊपर के फर्श से जब नीचे रूप में लटकी हुई दिखाई देती हैं तो स्टेलेगमाइट कहलाती है, स्टेलेकटाइट कहलाती है। और जो फर्श से चूना जमाव होता जाता है वो आपकी कौन सी, स्टेलेगमाइट कहलाती है। तो इस तरीके से आपकी भूमिगत जल है उसका स्थल रूप है, स्थलाकृतियां आज कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट एक स्थलाकृतियों शक्तियां हैं, बाह्य शक्तियों में सागरीय लहरों या ज्वारीय लहरें या आपकी तरंगों से निर्मित होने वाली स्थलाकृति, ये एक स्थलाकृतियां और बची हैं बाह्य शक्तियों के रूप में, जो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो आज अपनी लगभग, और इन स्थलाकृतियों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, हर साल तुम्हारे 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो पवन से पूछ लो, चाहे नदी के द्वारा पूछ लो, सागरीय लहरों से पूछ लो या भूमिगत जल से पूछ लो। तो इस तरीके से आपकी ये स्थलाकृतियां आपकी इजी भी हैं और अच्छे से याद भी हो जाएंगी। दूसरा क्या है, इसके अंदर आपकी जो भी स्थलाकृति बनती है उसका चित्र बनाया जाता है, इसलिए एग्जामिनर जब भी आप ये क्वेश्चन पुटअप करते हो, जब भी आप लिखना स्टार्ट करते हो तो उसके साथ में उसकी स्थलाकृति बनाइए, जिससे क्या है आपकी कॉपी है देखने में ऐसे लगे कि बच्चे ने पढ़ाई की है। जब भी आपकी कॉपी जांच की जाती है तो देखने में लगना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये जो भूमिगत स्थलाकृतियों का जो क्वेश्चन जो आता है ये कभी नहीं छोड़ना है। 15 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट आता है, हर साल आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को जल्दी ये क्वेश्चन है करवाया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।